अस्सलाम वालेकुम नाथ नवाज न्यूज तक अडावाया संजा सैयद हल्ला से हेडलाइंस तरफ इस्लामाबादी एहतसाब अदालत जो अगूरो जज अरशद मलिक कोरोना वायरस के लाडाणो कर अरशद मलिक कोरोना वायरस के अस्पताल में दम दिनों अगूरो जज अरशद मलिक हफ्ते का वेंटिलेटर से हो अगूरे जज अरशद मलिक नवाज शरीफ के इस्तजाब बुधाई हुई तालीमी माहिर प्रोफेसर कलंदर शाह लखियारी 80 वरियन की जमात में कोरोना वायरस के लाडाणो कर कलंदर शाह लखियारी कराची की अस्पताल में दम धड़ी हवाले कर कलंदर शाह लखियारी सिंध यूनिवर्सिटी के इंग्लिश शोबे जो चेयरमैन पिण रहे वजीर आजम इमरान खान पारा आलमी वबा कोरोना वायरस खिलाफ वेड़ लाए 10 नुकतन वो एमरजेंसी प्लान पेश बी जंग अजीम का कोरोना दुनिया में बड़ी तबाही आंदी वजीर आजम इमरान खान जो गड़ियल कौम के जनरल असेंबली के खिताब चवे तो पाकिस्तान स्मार्ट लॉकडाउन वाली कामयाबी माणी दुनिया में वायरस बिगे 15 लाख इंसानी जान उजायत हुआ कोरोना की पहली लहर में असांजी हिकमत अमली कामयाब थी कर्जन में रिलीफ वबा के खात्मे ताईं जारी रखे वे अमीर मुल्क तरफा मदद वारे वायदन से अमल कराया वे कोरोना की बी लहर खिलाफ घड़ो कुछ करण की जरूरत है सदर डॉक्टर आरिफ अलवी आज सदे मुल्क में कोरोना का बचाव लाए दुआ जो ढी मल्हण जो ऐलान कर मजहबी आलमन तरफा सियासी जमातन के जलसा जुलूस कुछ अरसे लाए मुलतवी कर अपील सदर से चवण है अज कोरोना का बचाव लाए खास दुआं घुरी वेंदू सियासतदान कोरोना का बचाव लाए सुपीस से अमल न पाया कर मुल्क में कोरोना वायरस जा हानिया जारी कोरोना वायरस सबब बदी 55 जणा फौतन जो अंग बदी 8260 थी वो गुजर 24 कलाकन दौरान कोरोना जा 3262 नवा केस रिपोर्ट वबा सिकलन जो अंग 4,10,072 थी वो सिंध के मुख्तलिफ शहर में कोरोना वायरस का केस बढ़ने का स्मार्ट लॉकडाउन सांगर टर्नो मोमन खान उमरकोट काजी अहमद शेख फिरकियों में मुकम्मल लॉकडाउन पुलिस कुल दुकान बंद कराए छा है रेलवे बारे वफाकी वजीर शेख रशीद चवाल तो वजीर आजम इमरान खान 5 साल पूरा कंदो वोट के इज्जत दियो चमदड़ मानून के कोरोना वायरस का बचाए गड थियल पार्टी में करप्शन जा केसेस आहिन एमएल बन हलन सा रेलवे में बेहतरी इंदी रेलवे के निजाम के मरहलेवार तरक्की ले रहा है इस्लामाबादी एहतसाब अदालत में राजा परवेज अशरफ खिलाफ रेंटल पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस से बुधड़ी राजा परवेज अशरफ की हाजिरी का छूट वाली दरख्वास्त मंजूर मोहम्मद असलम उस्मान हबीब हसनैन असद अली रियाज अदालत में पेश सिंध हाई कोर्ट में इस्लाम कबूल करे शादी कर आरजू फातिमा केस की बुधड़ी वालदेन आरजू फातिमा की हवालगी लाए दरख्वास्त दाखिल कर छी अदालत मास ने चवाए तो आरजू फातिमा वालदेन ना वन चाहे थी तो पा दरख्वास्त दे मुलाकात से पाबंदी ना है आरजू फातिमा चाहे जैसा मिले वकील बयानी दे चवाए तो आरजू फातिमा की दारुल अमान में सही साज संभाल नहीं थिए गोसपुर में हफ्तों अग डुहारन खिलाफ ऑपरेशन में जख्मी थे डुहारी मीरा बख्श जागीरानी जख्म जा सूर न सहंदे फौत वो पुलिस मुखिन की बाजियाबी लाए गुट जीएन जागीरानी से चढ़ाई करे ऑपरेशन वो हो नवकोट भरसा कलोई में गुजरियल नी जहरीलो खाधो खाण सबब वधीक बबाड़ा फौत फौतन जो अंग मरीज चार थी वो 21 जणन की हालत गणती जोगी अस्पताल में इलाज हलदड़ बिरशा में अणजातल हथियारबंद घर से हमलों कर नौजवान मोहम्मद सलीम के गोलियों हणी कतल कर फरार थी वह सदस्य अमड़ जख्मी इस्लामाबाद पुलिस वाके वे हंध पहुंची लाश और जख्मी औरत के अस्पताल मुंतकिल कर पुलिस चवण है वाके की जांच कई थी वे
दादूगढ़ से पुलिस मुंबई ना मुकाबला जाना है। नौजवान सदाम चांडियो के हाथ फ्राई कर छो। नौजवान सदाम चांडियो से चवण है पुलिस बिना जवाब गिरफ्तार करे। जूटू मुकाबले में हाफ फ्राई कर इंसाफ पे बने पुलिस से चवण है तो गश्त दौरान हादसा रोड से डोहारिन से मुकाबले में सदाम चांडियो के जख्मी हालत में गिरफ्तार। मीरपुर वासिलो बरसा लिंक रोड से पुलिस पारा डोहारिन से मुबैना मुकाबले में एक डोहारी के जख्मी हालत में गिरफ्तार करने की दावा। बो फरार पुलिस चवड़ा से जवाबदार के त्रंडी केसर में घुर्बल है वधिक जांच कैसी बने। आवाज टीवी सन से सिंधी सकाफती वार सिंध सदाबाद हुजे के सिरे हेठ 6 दिसंबर से सकाफती रियाड़ो मनाने लाए तैयारियों उरूज से पहुंची गयी। आवाज टीवी तरफा खुसूसी प्रोग्राम में भी सकाफती रंग जरकी पाया। सकाफती रियाड़े की तैयारियों के सिलसिले में सिंध की कुनकुंड में तकरीबू सुघड़ मच कचहरियों मौसी की महफिल का सिलसिलो भी जारी। कौमी गीतन से झुमरियों गीतन शायरी जरिए सिंध मड़ के भेटा पेश करने सिलसिलो जारी।